ये तस्वीर हर की पैड़ी की है, जहां पर रविदास मंदिर के पास पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने और हर की पैड़ी पर संजय पुल को मंदिर के ऊपर से हटाकर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सांकेतिक उपवास भी किया। इस दौरान पूर्व सीएम के समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में तुगलकाबाद में ऐतिहासिक रविदास मंदिर जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना था, उसको सरकार के अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण वो ध्वस्त हुआ और अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए और आज देश भर में जो मूवमेंट चल रहा है कि रविदास जी का मंदिर दिल्ली में फिर से एक अति भव्य स्वरूप में बनाया जाए, हम उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर हर की पौड़ी में रविदास मंदिर जी और वाल्मीकि मंदिर के सामने उपवास में बैठे हैं। धरना उपवास करते हुए हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार न्यायालय के सामने दमदार पैरवी करती तो उस मंदिर को टूटने से बचाया जा सकता था। आपको बता दें, पिछले महीने दिल्ली के तुगलकाबाद में DDA ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरु रविदास मंदिर को ढहा दिया था, जिस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजनीति गर्मा गई थी। ऑनलाइन टीवी के लिए हरिद्वार से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।